ने संविधान का गला घोटा, संविधान की अवहेलना की और बाबा साहब अंबेडकर साहब को जो हराने का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कि ताकि वो सदन में आना पावे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। जिस दिन संविधान का गला घोटा गया, आपातकाल लागू किया गया, इमरजेंसी लगाई गई और अनगिनत हत्याएं, उनका दोष इंदिरा गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस पर है और वह काला दिवस है। एक काला पन्ना लिखा गया था जो उस काले पन्ने को याद करने से कितनी लगातार उसकी जो दक्ष झेल रहे हैं हम लोग, लगातार उसकी पीड़ाएं हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए वाकई में वह काला दिन है जिस काले दिन को इतिहास में लिखा गया है और निरंतर उसकी पीड़ा हमें सबको रहती है। हम दो हमारे दो एक नारा दिया जाता है देश में, लेकिन यूसीसी में आपने प्रावधान भी किया है, लेकिन वर्ग विशेष कहता है कि आप कानून ही नहीं ला रहे तो हम पालना कैसे करें? बिल्कुल, हम मांग करते हैं एक देश एक कानून होना चाहिए, आप एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और एक वर्ग, जो हम दो हमारे दो या एक एक वर्ग विशेष ये योजना बना रहा है और कि मैं चार बेगम और 36 बच्चा, तो थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत है कि आप देश के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, देश की प्रगति में आप लोग सहभागी बनना चाहते हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं खुद मेरे यहाँ कार्यालय पे कितनी बहनें आती है कि वो तीसरी ला रहा है, वो चौथी ला रहा है, वो पांचवी ला रहा है, कोई 9 बच्चा है, कोई 13 बच्चा है, 13 9 18 बच्चे की काउंटिंग तक हमारे पास में उपलब्ध है, तो ऐसी स्थितियां भी है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए और आप हम सबको इस बात पर विचार करना ही चाहिए, ये वाकई में महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको राजनीतिक विषय न मानते हुए राष्ट्र के हित में देश के विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान होगा, इसलिए आप हम सबको इस पर विचार करना चाहिए और एक कानून आना चाहिए और सभी को इस बारे में योजना बनाकर और अपनी अपनी देना चाहिए सहयोग। और मैं तो कहूंगा कि अगर ये कानून आ जाता है आप देखें नियंत्रण भी होगा, देश के विकास में योगदान भी होगा और एक देश एक कानून है तो पालन सबको करना ही चाहिए।